हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप गवर्नमेंट मेल आईडी जो है @rajasthan.gov.in क्रिएट करें या फिर बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे यहां गूगल क्रोम ओपन है, यहाँ आप टाइप करेंगे SSO, क्योंकि दोस्तों यह जो आईडी है ये आपके SSO के माध्यम से बनती है, जनरेट होती है। और दोस्तों, आप यहाँ पर SSO लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप करेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड एंटर करते हुए आप लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां लॉगिन टैब पर क्लिक करते हैं, आप SSO पोर्टल में प्रवेश कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। मेरे यहां पहले से ये जो ईमेल रिक्वेस्ट है प्रदर्शित हो रहा है, आपके यहां नहीं प्रदर्शित हो रहा होगा। तो आप गवर्नमेंट एप्स G2G आप इस आइकन पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास में ऐप्स प्रदर्शित होंगे। नहीं होते हैं, आप एक्टिव ऐप्स जो हैं इनके ऊपर आप यहां क्लिक कर देंगे। यहां आपको एक ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है, ईमेल रिक्वेस्ट। मैं यहां जूम करके प्रदर्शित कर देता हूं। इस प्रकार का आपको यहां इंटरफेस इसका प्रदर्शित होगा। आप इस ऐप पर यहां क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने प्रदर्शित होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रदर्शित हो रहा है ये डैशबोर्ड, यहाँ पहले से आपकी ईमेल आईडी यदि आपने कोई जनरेट की है तो उसकी डिटेल्स यहाँ प्रदर्शित होंगी। आपके केस के अंदर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ फर्स्ट बार जनरेट कर रहे हैं। मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा न्यू ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम यदि कोई है तो, डेजिग्नेशन आपका, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, आपका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ रहते हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ फिल नहीं है तो आप यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट है जो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। कैलेंडर से आपको सेलेक्ट करना रहता है। दोस्तों, जैसे ही आप फिल कर देंगे, आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे। स्क्रोल करते हुए यहाँ आपको बी ऑप्शन मिलेगा, प्रीफर्ड ईमेल एड्रेस। यहाँ दोस्तों रिक्वेस्ट टाइप जो है दो प्रकार से की जाती है, एक तो सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट की जाती है, दूसरी बल्क मेल अकाउंट रिक्वेस्ट की जाती है। दोस्तों, सिंगल मेल जो है मैक्सिमम जो है सिंगल ईमेल ही यहाँ यूज आता है। बल्क मेल तब काम आता है जब आप ग्रुप में बहुत सारी ईमेल्स कहीं सेंड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सिंगल ईमेल अकाउंट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप अपने यूज के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक कर लेंगे। जिस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ जो राउंड गोला आपको प्रदर्शित हो रहा है इसके ऊपर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, यह है आपके नाम से जुड़े हुए कुल 3 ऑप्शन आपको यहाँ प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है टाइप कर देंगे, डिपार्टमेंट की ओर से जो आपका जो नेम है इसके अंदर यहाँ बीच में एक डॉट जोड़ दिया जाएगा। जैसे आपने यहाँ ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सेलेक्ट किया है, इसके अंदर जो मेल एड्रेस जब क्रिएट होगा तब raj.edu यहाँ डिपार्टमेंट की ओर से ऐड कर दिया जाएगा कि यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है। यदि आप अदर किसी डिपार्टमेंट के होंगे तो यहाँ वो डिपार्टमेंट आपके ऐड कर दिया जाएगा साथ में। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, यदि कोई आप रिमार्क देना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 500 करेक्टर के अंदर यहाँ आप जो रिमार्क है यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप जैसे ही नीचे आते हैं, आपको एक नोट यहाँ प्रदर्शित होता है। इस नोट को आप यहाँ चेकबॉक्स पर आई हैव जो आपको चेकबॉक्स प्रदर्शित हो रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे और सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट टैब पर क्लिक करते हैं, अलर्ट आपको प्रदर्शित होता है, आर यू श्योर, आप इसको यस कर देंगे क्योंकि आप यहाँ ईमेल रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इसको ओके कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ईमेल अकाउंट क्रिएशन रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आपकी जो है आईडी है, आप इस पॉपअप विंडो को ओके कर देंगे। अभी दोस्तों आप यहां देख सकते हैं, मैंने इससे पहले जो मेरा ईमेल रिक्वेस्ट किया था वो यहां डिस्पोज हो चुका है। आज का जो मेरा ईमेल एड्रेस है आप पेंडिंग विद OIC यहां आपको प्रदर्शित हो रहा है। जैसे ही दोस्तों यहां से ये पेंडिंग है ये क्लियर हो जाती है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होगा और इसी के साथ में जो आपका ईमेल एड्रेस जो है आपने प्रोवाइड करवा रखा है जो, उस पर भी एक आपको जनरेट मैसेज जो है ईमेल प्राप्त होगी। उसके बाद में आप किस प्रकार से लॉगिन करें इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से विजिट करके
आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बाय।